नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री में ही कवर हो जाएगा। मैं आपको जब क्वेश्चन नंबर थ्री करवाऊंगी उसका ही हाफ पार्ट है वो क्वेश्चन नंबर टू है, जिसमें सिर्फ हमने सेंटर ऑफ एन आर्क हमने लोकेट करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर वन में भी किया और थ्री में भी करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री, उसका फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास ए बी एक लेंथ है 3 सेंटीमीटर, बी सी एक लेंथ है 4 सेंटीमीटर, ये टू कॉर्ड्स हैं एक आर्क की, कॉर्ड्स हैं, हमने उसका सेंटर ऑफ आर्क बताना है। लास्ट टाइम जब हमने क्वेश्चन नंबर वन किया था उसके अंदर जो हमने कॉर्ड बनाई थी वो हमने अपनी एनी लेंथ बनाई थी अपनी मर्जी से। इसके अंदर क्या है, उन्होंने हमें मेजरमेंट दे दी है कि एक 3 सेंटीमीटर की है, एक 4 सेंटीमीटर की है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपनी मर्जी की एक आर्क ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। आर्क कैसे, ये रख के मैंने इधर एक आर्क ड्रॉ कर ली लाइक इन क्वेश्चन नंबर वन, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन में किया था वैसे ही। अब क्या करेंगे, इसके एक एंड पॉइंट को हम नाम दे देंगे ए और एक को दे देंगे सी, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि बी पे एक पॉइंट अपनी मर्जी का एक आर्क पे एक पॉइंट ले लिया था, उसे कह दिया था बी। इस केस में उन्होंने कहा हुआ है कि ए से जो बी है वो 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम मेजरमेंट्स करेंगे अपनी कंपास से कि हम 3 सेंटीमीटर की पहले कंपास ओपन करेंगे और फिर एक आर्क लगाएंगे। ये मैंने ओपन की 3 सेंटीमीटर की कंपास, मैंने ए पे रखी और एक आर्क लगाई। अब मैं इस पॉइंट को कहूँगी ये हमारे पास क्या है, पॉइंट बी। नेक्स्ट उन्होंने कह दिया कि जो बी सी है ना उसके दरमियान क्या डिस्टेंस होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 4 सेंटीमीटर की मेजर करके अपनी कंपास ओपन करूँगी और वो एक आर्क लगाऊंगी। ये मैंने ओपन की 4 सेंटीमीटर की कंपास, अब मैं इसके पॉइंट बी पे रख के एक आर्क लगा दूंगी। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सी होगा। ये उन्होंने हमें कहा है इसको डी कर ले। ये हमारे पास ए बी है जो कि उन्होंने हमें कही है कि क्या होनी चाहिए, 3 सेंटीमीटर की। हम क्या करेंगे, इस बी पॉइंट को इस ए के साथ हम लोग ज्वाइन कर लेंगे और साथ कह देंगे ये हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। इसी तरह हम ये जो बी पे इंटरसेक्ट हुआ है और सी पे जो इंटरसेक्ट हुआ है इसको आपस में हम लोग ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा बी सी 4 सेंटीमीटर। हाफ क्वेश्चन उनमें उन्होंने हमें इतना ही कहा था कि ए बी कॉर्ड बनाए और बी सी कॉर्ड बनाए जो 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अब नेक्स्ट में वो कह रहे हैं लोकेट द सेंटर ऑफ द आर्क, हमने सेंटर ऑफ द आर्क निकालना है। अब फिर से जैसे हमने फर्स्ट में किया था कि पहले ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे फिर बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, इन दोनों के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उस पॉइंट को हम लोग कह देंगे कि वो क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे कि हम ए बी के जो मेजरमेंट्स हैं उससे हाफ से ज़्यादा कंपास ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे ए पे रख के और एक आर्क नीचे लगाएंगे। इसी तरह क्या रखेंगे, वही सेम कंपास जो है हमारी ओपन होगी, अब बी पे रखेंगे और एक आर्क हम लोग ऊपर लगाएंगे और एक आर्क हम लोग नीचे लगाएंगे। ये दोनों ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, एक को नाम दे देंगे एल, एक को नाम दे देंगे एम, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे, एल को एम के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी। अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। बी और सी का कैसे बनाएंगे, बी और सी की जो मेजरमेंट्स है उसमें हाफ से ज़्यादा अपनी कंपास ओपन करेंगे, एक आर्क हम लोग ऊपर लगाएंगे और एक आर्क हम लोग नीचे लगाएंगे। इसी तरह सेम कंपास ओपन रखें, हम लोग सी पे रखेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे और एक आर्क नीचे लगाएंगे। इसको भी आपस में हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। इनको पॉइंट का नाम दे दें पी और इस पॉइंट को नाम दे दें क्यू। इस P और Q को आपस में क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये दोनों बाइसेक्टर इस पॉइंट पर आके इंटरसेक्ट हुए हैं, इस पॉइंट को हम लोग कह देंगे O, विच इज़ द सेंटर ऑफ एन आर्क। क्वेश्चन नंबर थ्री का पार्ट टू भी यहीं ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर टू में आप लोगों ने क्या करना है, इसी तरह सेंटर लोकेट करना है, लेकिन उन्होंने कोई मेजरमेंट्स नहीं दी हुई, अपनी मर्जी की आपने एक पॉइंट बी ले के और उसका सेंटर आपने इसी तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के लोकेट करना है।